एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं और हमारे यहाँ पे एक कीर्तन है, तो मैं कीर्तन में जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। ये देखिए, तो मैं जा रही हूँ कीर्तन में। हेलो, आप लोग सोचेंगे कि मैं दो बार हेलो क्यों कर रही हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल जब मैं कीर्तन से आई थी तो फिर आगे के व्लॉग को शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा आज मैं नए दिन के साथ आप लोगों से फिर से हेलो कर लेती हूँ। तो आज है, अभी नवरात्रे चल ही रहे हैं और आज है 27 तारीख। आज हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाना है। तो हमारा पूरा जर्नी जो रहेगी ना, वो पूरी एक रात की रहेगी और मैं आपको अपनी पूरी जर्नी और यात्रा सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा जो व्लॉग आएगा ना अभी, क्योंकि वहां पे वैष्णो देवी में जाने के बाद नेट जो हमारे सिम है ना वो बंद हो जाते हैं, तो वो काम नहीं करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि जाने के लिए कितनी सारी तैयारी करनी पड़ती है। अभी पूजा मेरी हो गई है, सुबह का टाइम है, मेड मेरी आने वाली है और जब मेड मेरी काम करके चली जाएगी उसके बाद मैं जो तैयारी करूंगी वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिए मेरे साथ तक वीडियो के अंत तक, आप देखना ना भूलिएगा बिल्कुल भी, क्यों स्किप नहीं करनी है बीच में, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जल्दी से वीडियो स्किप करके या फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो प्लीज ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि इससे ना पूरी वीडियो का इम्प्रेशन खराब हो जाता है। मेरे मिट्टू है, इनको मुझे किसी और के यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो इनकी केयर कैसे करेंगे। ये देखिए, इन्होंने एग भी ले किए हुए। तो अभी मुझे फिश की तैयारी करनी है कि इनको क्या करते हैं, इनके लिए हॉलीडे फूड डाल के जाते हैं, तो 5-6 डेज ये वही चल जाएगा। अभी मैं इनका फिल्टर है ना, ये फिल्टर क्लीन करके और यहाँ पे छोड़ दूंगी। फिल्टर निकाल लिया मैंने। तो ये धो लिया है मैंने, अभी लगा देती हूँ इसमें। थोड़ा ठंडा हो गया तो ये हीटर इनका चलता ही रहेगा। पानी थोड़ा कम हो गया तो ये फिल कर देती हूँ उसको, पूरा ऊपर तक भर देती हूँ। उसमें पानी ना एक्वेरियम में जो भी पानी डाला जाता है ना, वो ये 2 या 3 दिन पुराना रखा हुआ डाला जाता है, और थोड़ा सा ना गर्म ही डालती हूँ वरना तो उनका टेम्परेचर ना चेंज हो जाएगा। तो अभी भर देती हूँ मैं, ये 3 दिन पहले का पानी है जो रखा हुआ था, ताकि इसका क्लोरीन खत्म हो जाए। भर गया ये पूरा, ये देखिए। तो जा रहे हैं मिट्ठू मेरे, मिट्ठू तो चले गए। ये डोडो के इसकी एक्वेरियम की सफाई करके इसका भी हॉलीडे फूड डालना है मुझे, इसे बाहर छोड़ देती हूँ। ये देखिए, वैसे भी इसे धूप में डेली छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। इसका पानी पूरा खाली कर दूंगी। ये साफ हो गया, पानी पूरा भर गया। ये देखिए, डोडो धूप में आराम कर रहा है तब से, अब मैं इसे पानी में छोड़ दूंगी इसके। इसे जाना नहीं होता है, लेकिन ये खाना ना वहीं पे खाता है।
तो इसे छोड़ना ही पड़ता है इसमें। ये देखिए, ये देखिए इसका हॉलीडे फूड है। अब वैसे तो ये 5-6 डेज तक इसको ये काफ़ी होगा, लेकिन मैं इसको ये ना 2 डाल के जाऊंगी, कहीं कम ना पड़ जाए। ये इसका फिल्टर चला दिया है मैंने आज, इसे पूरा क्लीन कर दिया। जब तक हम आएंगे तब तक चल जाएगा काम अच्छे से। ये दूसरा भी डाल देती हूँ। अभी पानी एकदम ताजा भरा है ना, तो उसको थोड़ा ऐसे लग रहा है, और काफी देर से बाहर भी था तो अभी बहुत अच्छे से भाग भाग के स्विमिंग कर रहा है। फिश का हॉलीडे फूड है ये, इनको 6 डेज के लिए काफी होगा। ये भी डाल देती हूँ। ये खोल लिया है मैंने, अब डाल देती हूँ। वैसे तो जाते हुए थोड़ा सा ये लगता है कि भाई कैसे रहेंगे ये लोग, लेकिन रह जाते हैं। पहले भी छोड़ा है मैंने इन्हें। मम्मी बस मुझे अपने प्लांट की चिंता है, क्योंकि 6 दिन तक ना बिना पानी के रहेंगे। अब देखते हैं आके कैसे मिलते हैं, हरे भरे रहते हैं कि सूख जाते हैं। वैसे मुश्किल ही है कि हरे भरे रहेंगे, सूखे वही मिलने वाले हैं। मेरी कुछ प्यारी सी बहनों ने पूछा था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि वो ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रेलवे में इंजीनियर हैं। ये भी पूछा था कि मैं इतने छोटे बाल क्यों रखती हूँ, तो मैं इसीलिए रखती हूँ क्योंकि ये ना मेरे हेयर ड्रेसर ने सेट किए थे कि मेरे फेस पे ना यही हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, और वैसे भी मैंने हमेशा से ही ना इसी तरह का हेयर कट रखा है। हमारी हो गई है और अब हम तैयार हो जाते हैं, टाइम हो गया जाने का। तो हम तैयार हो चुके हैं और अब रेडी हैं निकलने के लिए। आ गए हम नीचे, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। रख लिया था टॉवल मेरा, रख लिया था, चल रही है। स्टेशन पहुंच गए हम लोग, अभी ट्रेन हमारी 8 बजे की है, 7 ही बजे। हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। बोलो मत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0049। स्टेशन पे तो पहुंच गए हम, ट्रेन आने में अभी आधा घंटा है। हमारी ट्रेन हमारी आ चुकी है और अब हम चढ़ते हैं इसमें। चलिए ये हमारी हमारा कोच पूरा दही डाल लो, मिक्स कर देना है चावल थोड़े, ये चिपक रहे हैं। बेड लग गया मेरा।
हमारी काफी देर से स्टेशन पे रुकी हुई है, पता नहीं कौन सा है। अंदर ही है, देख रही हूँ कहाँ पे रुकी हुई है। रात को अभी रात के 10 बजे हैं, बड़े ही सुनसान से प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है। तो सुबह हो गई है, हम तो उठ गए 6:30 बजे, बाकी तो सभी सो रहे। मैं ही बादल का मौसम पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो अभी नेटवर्क हमारा चला गया है और वो बस बाहर के सीन को देख रहे हैं, वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं। उधमपुर स्टेशन आने वाला है, बस कटरा 25 किलोमीटर रह गया। अभी मैं व्लॉग का करती हूँ एंड, मेरी आगे की जर्नी आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा, इसलिए मेरे साथ बने रहें और देखना ना भूलिएगा नेक्स्ट व्लॉग।